हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमे। सामने जो चीज़ आप देख रहे हो भाई, ये कॉमन नहीं है। इवन ये शोरूम्स में भी, सड़क पे तो छोड़ो, ये शोरूम्स में पहुंचना भी बिल्कुल कॉमन नहीं है। कितने दिनों बाद, मेरे पूछने के बाद ये आज पहुंच पाई हैं। और भाई आते ही डायरेक्ट डिलीवरी है, डिलीवरी के रेडी है। तो ये भाई सबसे महंगी सफारी, अब आप देखो, ये नॉर्मल सफारी नहीं है, ये है सफारी का गोल्ड एडिशन। एक तो काला रंग और उसके साथ साथ फिर गोल्ड, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया की गाड़ी है। जैसे मॉडिफिकेशन होते हैं दुबई वगैरह में, बिल्कुल अल्ट्रा प्रीमियम, एक प्रीमियम ऊपर से अल्ट्रा प्रीमियम, वही चीज़ लग रही है। क्या गजब लग रहा है। और आपको देखने में ये लगेगा ना, ब्लैक कलर है ये, ब्लैक के साथ गोल्ड है, क्रोम का कोई काम नहीं है, सब कुछ जहाँ क्रोम था वो रिप्लेस हो गया गोल्ड से। लेकिन एक्चुअल में ये ब्लैक कलर नहीं है। आप ये देखो, यहाँ पर मेटैलिक है और ग्लिटर आपको दिखेंगे इसमें, रेड और उसके साथ ब्राउन, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल डार्क जो मरून होता है ना, वो ये अलग ही शेड है एक इस तरह की। भाई गजब लग रही है गाड़ी, मतलब देखते ही बन रही है। और यहाँ पर हम देखें, एक बार पास से दिखाता हूँ आपको, ये क्या गजब लग रही है भाई। अलग ही, यानी इस कलर में, मतलब गोल्डन कलर में टाटा का लोगो एक्चुअल में अच्छा लग रहा है, सीरियसली। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड इनके एक टैगलाइन थी ऑल्ट्रोज के लिए, इसके लिए ज़बरदस्त सेट बैटरी है, इस तरह से आप देख रहे हो। और चेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहली चीज़ तो सबसे महंगी है पूरे लाइनअप में, जो इसकी शोरूम प्राइस है वो है 23,20,000 रुपये। और जो ऑन रोड चली जाती है, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, मैं इस समय हूँ गोला गणपति हल्द्वानी में, तो यहाँ पर यह पड़ रही है 27 लाख रुपये की। भाई 27 लाख की सफारी कोई आम बात नहीं है। वो भी समय होता था जब हम मुड़ मुड़ के देखते थे, वेरी कॉर आती थी 2.2 वाली, और आज सफारी ने ये रूप ले लिया है भाई, 27 लाख रुपये की मिल रही है। लुक आप देखो, हाइलाइट्स यहाँ पर, जो भी क्रोम होता था सब रिप्लेस हो चुका है गोल्ड से। और ये वैसा गोल्ड नहीं लग रहा बिल्कुल ही ज़्यादा, जो चटक टाइप का गोल्ड होता है ना 24 कैरेट वाला, वो गोल्ड नहीं है, अराउंड ये 14-16 कैरेट वाला, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जो टोन है वो लाइट दी हुई है, जो कि अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। इस तरह से आपको हेडलैम्प दिए हूँ, बाकी तो जानते ही यार क्या लुक है, पूरी DRL और इंडिकेटर ये वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको लो बीम के लिए यहाँ पर मिल रहा है प्रोजेक्टर, और ये हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर। नीचे असेंबली में ही साथ दे दिया है फॉग लैंप, क्या बात है यार। अभी जरा साइड में ये गाड़ी निकले और फिर उसके बाद और दिखाता हूँ, अभी साइड प्रोफाइल पर भी आता हूँ। लेकिन भाई सामने से देखने में जो प्रेजेंस है इसकी, चौड़ाई यार गजब, मतलब 1900 mm ऑलमोस्ट है, प्रिसाइजली कहूँ अगर 1894 mm, क्या बात है भाई। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो भाई इस तरह से सबसे पहली चीज़ टायर्स की आप ग्लॉसीनेस देखो, ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, डबल टोन है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो डायमंड कट होता है वो वाला कलर भी डार्क दिया हुआ है, नॉर्मल वाला नहीं है। और उसके साथ यहाँ पर बिल्कुल प्लेटिनम वाला जो ग्रे रहता है वो है, अलग ही चमक आ रही है। और बड़ा कितना है वो चीज़ देख लो आप। प्रोफाइल की बात करें तो 235/60R18 इंच का टायर है, ब्रिजस्टोन का है, ज़बरदस्त लग रहा है। साइड प्रोफाइल में कुछ इस तरह से आपको पूरा व्यू मिलता है, जहाँ जहाँ क्रोम आता था वहाँ वहाँ रिप्लेस हो चुका है अपना ये गोल्ड कलर। और ऊपर यहाँ पर भी आता था, यहाँ भी सफारी लिख दिया गोल्ड कलर में, मतलब आपको दूर से एक बार दिखाऊं, क्या बात है। इस तरह से साइड प्रोफाइल है। ओवरऑल लेंथ की बात करें, ज़बरदस्त लंबी लग रही है, तो 4661 mm के करीब ये लंबी है। और ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है। भाई बड़ी इतनी है गाड़ी, वेट भी उतना ही है, करीब 1,825 किलो, मतलब 1,825 kg के अराउंड इसका वेट है। हर जगह आपको कहीं भी, यानी वैसा वाला जो ब्लैक होता है ना, मैटी टाइप का रफ़ वाला, वो सिर्फ यहीं पर ही दिख रहा है ये बीडिंग में, है ना, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। हर जगह जहाँ पर होता है वहाँ भी ग्लॉस कर दिया, देखो हर जगह ग्लॉसी ब्लैक है, हर पार्ट इसका चमकता हुआ ही मिलेगा आपको। और भाई आ जाते हैं इसके रियर की तरफ, तो भाई इस तरह से आपको दिख रहा है इसका रियर। रियर में लाइटिंग वगैरह सब सेम है जैसी मिलती है सफारी में, और लोगो बीच में वैसे ही गोल्डन कर दिया है। नीचे सफारी कैमरा आपको मिल रहा है, डिफॉगर और वाइपर, वो सब कॉमन ही चीज़ है। ये चीज़ क्या दिखा रहा हूँ भाई, जो असली शान है इसकी वो गोल्ड कलर की है। और इसके साथ साथ इसके इंटीरियर में भी ज़बरदस्त चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हैं ये आप देखो, आपको बैठ कर लगेगा भाई हमने 27 लाख रुपए खर्च कराए। ये देखो भाई, लुक एट दैट, क्या बात है। इसको तो हाथ लगाने में भी ऐसा लग रहा भाई गंदी ना हो जाए, क्योंकि लाइट बिल्कुल लाइट कलर का यहाँ पर ऑफ वाइट है वो है टोन। और उसके साथ साथ यहाँ पूरा सॉफ्ट टच है, ये देख रहे हो, ये सब सॉफ्ट टच है हैंडल्स पे, यहाँ पर गोल्डन कर दिए हैं, बिल्कुल मेटल फील हो रहे हैं गोल्डन कलर में। और यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक, इस तरह की डोर ट्रिम है। और आते हैं यहाँ पर, ओ भाई साहब, केयर करने के लिए भाई लिटरली इस पर इस तरह से ये लगा रखी हैं रैप।
और अंदर देखो क्या टेक्सचर आ रहा है, जो हमारे इम्पोर्टेड ग्रेनाइट होते हैं ना उसमें ऐसा टेक्सचर आता है। ये पूरा ग्लॉसी है, ये मैं छुटा नहीं रहा हूँ भाई, बहुत महंगी गाड़ी है इसीलिए डिलीवरी होने वाली है जस्ट। और भाई जो दोनों सीट हैं अपनी, ये दोनों की दोनों वेंटिलेटेड सीट हैं। एयरबैग आपको दिख रहे हैं, 6 एयरबैग हैं ये दोनों सीट्स में हो गए, और साइड कर्टेन एयरबैग हो गए, 2 एयरबैग सामने हो गए, 6 एयरबैग हैं। चाबी की बात करें तो चाबी कुछ इस तरह की, चाबी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया, लेकिन नहीं ये जो आपको कलर है जो जनरली ब्लैक में मिलता है, यहाँ पर भी वही टोन है, हल्का मरून शेड आपको धूप में दिख रहा होगा, ये देखो तो वही टोन यहाँ पर दी हुई है, पता लग रहा है कि हाँ चाबी अलग है बिल्कुल। और ये लॉक अनलॉक यहाँ पर हमारा हो गया, ये फॉलो मी हेडलैम्प और साथ में बूट रिलीज का, इसको रख देते हैं यहाँ पर। और भाई ऑटो डिमिंग हमारा है, IRVM, सारी जो प्रीमियम चीज़ें हो सकती है वो है यहाँ पर लिख दिया है, हैशटैग गोल्ड। आपको डार्क एडिशन में मिलता है देखने को, हैशटैग डार्क और यहाँ पर गोल्ड है। और भाई जो हमारी पूरी सीट्स हैं वो लेदर एट हैं हर जगह, दोनों की दोनों वेंटिलेटेड हैं जैसा बताया, ऑटोमेटिक है ये बिल्कुल, दोनों आते हैं इसमें, मैनुअल भी ऑटोमेटिक भी, ऑटोमेटिक उससे ऊपर आता है, महंगा आता है, तो ये वही है, तभी मैंने आपको कहा लास्ट है, बिल्कुल सबसे लास्ट है। ये आपको दिख रहा है गियर नॉब, इस तरह से हमारी जो ट्राई एरो है थीम वो यहाँ पर दिख रही है। ये हो गए हमारे मोड, उधर से मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई बिल्कुल लगी हुई है गाड़ी उधर दीवार के साथ, जगह नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के बटन्स, यहाँ पर हमारे जो मोड है ड्राइविंग मोड वो दिए हुए हैं तीनों, और उसके साथ जो ब्रेक है वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वे में दी हुई है, ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पर दिया है, मतलब यार लग रही है चीज़ कुछ, इसको करते हैं, ज़रा ध्यान भी देना पड़ेगा भाई, साइड से गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये रियर स्पेस कुछ इस तरह से, क्या बात है, ये आपको दी हुई है यहाँ पर पीछे जाने के लिए इस तरह से, ये हम यहाँ से फ्लैप करेंगे, ये फोल्ड हो जाएगी इस तरह से, पीछे जाएंगे, पीछे की सीटिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम लगती है अंडर थाई सपोर्ट, लेकिन जिस कैटेगरी में भाई फुल लोड पे तो कोई चलता ही नहीं है इसमें, जहाँ से ज़्यादा 3 या 4 लोग जा पाते हैं, जिस प्रीमियमनेस के साथ ये गाड़ी आती है उसकी बात कर रहा हूँ। ये आपको सेंटर कंसोल मिल रहा है रियर वालों के लिए, ये भी ग्लॉसी में है, या देख लो साथ में 2 पोर्ट दे दिए हैं चार्जिंग के लिए, आर्मरेस्ट दिख ही रहा है तो इस तरह से। और भाई बड़ी सी सनरूफ, एक बार सनरूफ आपको दिखाता हूँ, बटन है उधर हमारा, बटन दबाते हैं और ये यहाँ पर आपको दिख गया, और क्योंकि बिल्कुल टॉप एंड है तो भाई आपको डिस्प्ले पूरा इतना बड़ा मिल रहा है, नहीं तो जनरली थोड़ा छोटा लगता है, ये बहुत बढ़िया है, वाइड स्क्रीन में है। और यहाँ पर जो फिल्टर है वो भी लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें यहाँ पर आ रहा है, वॉल्यूम का कर देते हैं हम यहाँ से बिल्कुल कम। और यहाँ पर हमारा पूरा ग्लॉसी है, जहाँ जहाँ आपको कवर दिख रहा है ना ये सब ग्लॉसी है, फिंगरप्रिंट से ख़राब ना हो इसीलिए सब कवर किया हुआ है। और लग रही है भाई कुछ बैठ के अंदर, गाड़ी ज़बरदस्त फीलिंग दे रही है भाई, कैसे ना कैसे जुगाड़ करके इधर कर लिया गाड़ी। और अब ये देखो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के ये मार्क दिख रहे हैं, जो फ्लो होगा एयर का उसके लिए, पावर्ड सीट है, ये देखो आगे पीछे पूरी हो रही है यहाँ पर बटन्स के थ्रू, ठीक है। और अब बारी आएगी हमारे जो कंट्रोल्स हैं उसकी, इधर से बढ़िया व्यू आएगा देखने में। और इस तरह से आपको पूरा क्लस्टर दिख रहा है, ये देखो अब ये आपको सही दिख रहा होगा, यहाँ पर कंट्रोल दिए हुए हैं हमको, ये हमारे दिए हुए हैं क्रूज कंट्रोल के, और उसके साथ यहाँ पर दिए हुए हमारे ब्लूटूथ और टेलीफोनी के, तो इस तरह से पूरा का पूरा माहौल है। और भाई ये आपको मिल रही है सनरूफ, पूरी की पूरी भाई पैनोरमिक सनरूफ है, हो जा गजब। और ये हमारी चली जाती है पूरी की पूरी पीछे, पहले ब्लाइंड हुई और अब ये हुई, और अगर करना है बंद तो भाई ये दबाया हमने और ये इस तरह से हो जाएगी, मतलब लुक ही अलग आता है यार यहाँ पर बैठ के, और इस तरह से पूरा प्रीमियम कैबिन इस लाइट टोन का, और उसके साथ साथ जब यहाँ से भी लाइट आ रही हो तो मज़ा ही अलग है। इसको कर देते हैं ब्लाइंड को भी बंद, तो भाई इस तरह का पूरा व्यू है। ये गाड़ियाँ जनरली देखने में नहीं मिलती, बहुत रेयर मिलती हैं, और खासकर देखो मेट्रोज में तो इक्का दुक्का दिख जाती हैं शोरूम्स पर, लेकिन हमारा जो एरिया है ये कुमाऊँ की एंट्री है ना, बिल्कुल पहाड़ों की तलहटी है, हल्द्वानी है, तो यहाँ पर ये गाड़ी कम दिखती है, लेकिन इस तरह से दिख पाना बहुत सही है। पूरा ये देखो ये पूरा ही सॉफ्ट टच है ना, कहीं भी हार्ड प्लास्टिक नहीं दिख रही, बिल्कुल एंड में है ज़रूर लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रही। और उसके साथ JBL का सेटअप है, म्यूजिक सिस्टम पूरा का पूरा आपको मिल जाता है ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं इको मोड और स्पोर्ट मोड यहाँ पर भी दिया हुआ है, और जो टेरेन सिस्टम है यहाँ पर टेरेन मोड वो तो दिए ही हुए हैं। तो इस तरह से पूरी हो रही है कंप्लीट गाड़ी, मतलब इंजन वही है, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपको ड्राइवर साइड डोर ट्रिम मिल रही है इस तरह से, जैसा मैंने बताया इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। जो इंजन की पावर फिगर है वो अब भी वही है,
2.0 वाला ही इसमें इंजन है। जो भी चेंजेस हैं वो कॉस्मेटिक हैं और कुछ जो इंटीरियर में फीचर्स के हैं वो हैं। और भाई इंजन की अगर बात करें तो आपको मिल जाती है पावर इसमें 168 bhp की, क्रायोटेक नाम दिया है टाटा ने इसको, सोर्स किया गया है फीएट की तरफ से, 2.0 लीटर वाला डीजल इंजन है और 170 बड़ा बड़ा लिख देते हैं अंदर, अभी खोल नहीं रहा क्योंकि ये रिबन वगैरह लगे हैं छूट जाएंगे भाई। और जो टॉर्क की फिगर्स हैं उनकी बात करें तो आपको टॉर्क मिलता है अराउंड 350 nm का। और भाई इस वेट के साथ मतलब 1,825 किलो 1,825 kg वेट के साथ भी गाड़ी लगभग 0-100 11 सेकंड में कर जाती है, जो कि अपने आप में इंप्रेसिव चीज़ है। तो इस तरह से था एक क्विक वॉक अराउंड, जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ इस गाड़ी को देखकर वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। रिव्यू की तरह मत लेना इस वीडियो को, जस्ट मैंने देखा जो फील करा वो आप लोगों के साथ शेयर करा। आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया लगा ही होगा भाई कि इतनी प्रीमियम जो 27 लाख की सफारी ले रहा है भाई वो अंदर से दिखती कैसी है। रेट की बात अगर दोबारा कर दूं तो ये 27 लाख की ऑन रोड पड़ रही है उत्तराखंड में, और शोरूम प्राइस की बात करें तो 23,20,000 रुपये की इसकी शोरूम प्राइस है। टॉप वेरियंट है, गोल्ड एडिशन है, XZA+ मतलब ऑटोमेटिक में जो सबसे लास्ट आता है वो है। तो ये था इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी बताना जरूर। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल। जय हिंद।